बजाज नगर नागपुर 3 नवंबर को हुई प्राचार्य मुरेश्वर वानखड़े की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला परिवार के घरेलू कलह से तंग आकर पत्नी और बेटे द्वारा ही सुपारी देकर किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बजाज नगर पुलिस ने हत्या के मामले में मृतक प्राचार्य की पत्नी अनीता प्रसिद्ध स्कूल में उच्च शिक्षिका है और बेटी सायली वानखड़े को एवं अन्य 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी युवकों का एक साथी अभी भी फरार है। हत्या को दुर्घटना या लूट दिखाने की थी योजना। नरेंद्र नगर की माड़ा LIG कॉलोनी निवासी वानखड़े चंद्रपुर के तुकुम स्थित खत्री कॉलेज में प्राचार्य थे। शुक्रवार को सुबह 4 बजे वे ड्यूटी जाने के लिए अपने दोपहिया से रेलवे स्टेशन की ओर निकले थे। घर के पास से पीछा कर रहे बाइक सवार आरोपियों ने और उनके साथी ने वर्धा रोड निरी गेट के पास दोपहिया को टक्कर मारकर प्राचार्यों के नीचे गिरा दिया। इसके बाद उनके सिर, गर्दन और ठुड्डी पर तलवार लेकर हमला कर घटनास्थल पर ही ढेर कर दिया। पुलिस जांच के दौरान बेटी के मोबाइल पर शुभम नामक युवक के बार बार बातचीत होने का पता चला। पुलिस ने देर रात शुभम मोहरलो को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। उसके प्राचार्य की बेटी सायली और उसकी पत्नी अनीता द्वारा 5 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या करवाना स्वीकार किया। वानखड़ी की बेटी शुभम के सहपाठी है, इस नाते उसने शुभम को अपने पिता द्वारा रोजाना गालियां देने, जीना हराम कर देने, चिड़चिड़े स्वभाव, पत्नी और बेटी पर संदेह मारपीट करने की बात बताई थी। जबकि इसके विपरीत प्राचार्य वानखड़े के घर के बाहर कॉलेज और सामाजिक क्षेत्र में भले ही मिलनसार दिखाई देते थे, लेकिन पत्नी व बेटी सायली और बेटे तन्मय के अनुसार वानखड़े बेहद चिड़चिड़े स्वभाव के थे। इस स्वभाव के वजह से पूरा परिवार 1 महीने तक उन्हें अकेला छोड़ दूसरी जगह चला गया था, लेकिन लौटकर आने के बाद स्थिति जैसी की तैसी थी। सायली ने बताया, शुभम ने 5 लाख रुपए में प्राचार्य वानखड़े को रास्ते से हटाने की पूरी तैयारी दिखाई। अपने साथियों को प्लान में राजी करवाकर सुपारी किलिंग ने 20,000 रुपए एडवांस लिया था, फिर उसने आरोपियों को हत्या की सुपारी दी। आरोपी करीब 15 दिनों से प्राचार्य का पीछा कर रहे थे। उनकी हर रोज की गतिविधियों पर नजर रखते थे कि उन्हें कोई ऐसी जगह मिले जहां इन्हें कोई देख भी ना सके और न ही इन पर कोई शक हो और प्राचार्य का काम तमाम हो। और आखिरकार वह दिन आ ही गया। शुक्रवार की सुबह 4:15 बजे आरोपियों ने वानखड़े को निरी गेट के सामने ढेर कर दिया। हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी घर जाकर सीधे सो गए। नील डोह के पुल पर रची थी साजिश। इस घटना को फोटो भी पुलिस के हाथ लगे हैं। यह जानकारी अपर पुलिस आयुक्त दक्षिण श्यामराव दिघावकर, DCP स्मार्तता पाटिल ने पत्र परिषद में दी। इस दौरान सहायक पुलिस आयुक्त केशव इंगड़े, बजाज नगर के थानेदार ज्ञानेश्वर पाटिल, वैजयंती मैडम, API नागटिलक आदि उपस्थित थे। विकास बंसोड़, न्यूज ब्यूरो चीफ, कैमरामैन सचिन के साथ, जय हो इंडिया, सच की आवाज। साधारणतः सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुपारीचा व्यवहार झालेला होता, नंतर त्याच्या काही दिवसानंतर 20,000 रुपये ॲडव्हान्स देखील देण्यात आलेले होते आणि साधारणतः 15 दिवसापासून ही रेकी चाललेली होती आणि त्यांची ओळख बाकीच्या साथीदारांना किंवा सुपारीमध्ये जे सहभागी झालेले होते त्यांना त्यांची ओळख रेल्वे स्टेशनवर करून देण्यात आलेली होती आणि घटनेपूर्वी 4 दिवस सतत रेकी करून कुठं CCTV नाहीत काय अशा प्रकारे कुठं वर्दळ कमी असते अशा प्रकारे त्यांनी आणि त्यांचे येण्याजाण्याचे मार्ग ते मार्ग बदलतात किंवा कसे रोज अशा पद्धतीने त्यांची रेकी करून काल त्यांना दिनांक 3-11 संधी मिळताच त्यांनी सदरचं कृत्य केलेलं। ॲक्च्युली शास्त्रोक्त पद्धतीने तपास करून किंवा आणि टेक्नॉलॉजी वापर करून काही गोष्टी अशा निष्पन्न झालेल्या आहेत की याच्यातल्या मैताची मुलगी आणि त्यांचा मित्र यांच्यामध्ये नेहमी बोलणं चालणं होतं। मग त्या मित्राला आम्ही हे केलं, ताब्यात घेतलं आणि ताब्यात घेऊन विचारपूस केली असता त्याने सदरची सगळी घटनाचं उकल केलेलं आहे आणि सगळ्या आरोपींनी गुन्ह्याची कबुली दिली नाही। सदरच्या कौटुंबिक वादाच्या फक्त तक्रारी आजनी पोलीस स्टेशन ज्या हद्दीमध्ये ते राहतात त्या याच्यात दिलेल्या होत्या आणि समाजसेवामध्ये सदर प्रकरण वर्ग करण्यात आलं होतं आणि समाजसेवेमध्ये त्यांच्या याच्यात काउन्सिलिंग करून
सदरच्या समाधानकारक तोडगा काढून त्यांना त्यांचं समाधान करण्यात आलेलं होतं आणि त्याप्रमाणे त्यांचं काही दिवस तरी चांगलं चाललेलं आढळून आलेलं होतं.